दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय एवीएस एकेडमी धर्मशाला। उपमंडल इंदौरा के त्योरा में प्रदेश सरकार द्वारा धान खरीद के लिए मंडी खोली गई थी। इस मंडी के खुलने पर किसानों को काफी राहत मिलनी चाहिए थी, लेकिन मंडी खुलने के साथ ही किसानों में काफी रोष दिखाई दे रहा था। किसानों का आरोप था कि मंडी में कई तरह की अनियमितताएं पाई जा रही हैं और अधिकारी किसानों के समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसी समस्या को दिव्य हिमाचल समाचार पत्र ने प्रमुखता से उठाया था। एसडीएम इंदौरा सौमिल गौतम ने तत्परता दिखाते हुए मंडी में किसानों को हो रही परेशानियों का खुद हाल जाना और तुरंत कार्रवाई करते हुए किसानों द्वारा बताई गई समस्याओं का समाधान किया। इसीलिए प्रशासन ने क्या प्रबंध किया? देखिए, आज माननीय उपायुक्त महोदय के कहने पे ही मैं स्पेशली यहाँ विजिट करने आया हूँ, और जैसे कि अलग अलग जगह से हमें जो फीडबैक आ रहा है, कुछ लोग अपनी समस्या बता रहे हैं, चाहे वो किसान भाई हों या कुछ मीडिया के हमारे मित्र हों, हमें उन्होंने अलग अलग अपनी प्रॉब्लम्स बताई हैं, तो उसका निवारण करने के लिए मैं यहाँ पर आया। और यहाँ आकर हमने FCI के जो अधिकारी हैं और APMC का भी जो स्टाफ है, उनसे आके हमने यहाँ डिस्कशन की है। हमारी धर्मशाला में भी बातचीत हो रही है। पहले यहाँ कुछ समस्याएं ज़्यादा थीं। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा जो अभी तक यहाँ नहीं आए हैं, कि जैसे यहाँ लाइट जाने पे भी प्रॉब्लम आई, तो उसके लिए हमने एक जनरेटर ऑलरेडी उपलब्ध करा दिया है। ज़रूरत पड़ेगी तो हम एक और जनरेटर उपलब्ध करा देंगे, ताकि फैंस चलने में प्रॉब्लम ना आए। सेकेंडली, शुरू में हमारे यहाँ पर सिर्फ हमारे पास 3-4 पंखे थे, बट उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत आई, तो विद टाइम आज की डेट में हमारे 7 पंखे हैं जो हमारे फंक्शनल हैं, और आगे ज़रूरत पड़ेगी तो और पंखे हम यहाँ प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा लेबर के बारे में भी एक फीडबैक आया था कि लेबर शायद कम लग रही है। ऑल्दो जब मैं आज यहाँ आया हूँ, इस समय पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं लग रही है। मेरी ठेकेदार से भी बात हो रही है कि लेबर पर्याप्त है, 60-70 बंदे यहाँ पर काम कर रहे हैं, और इस समय तो मेरे को कोई ऐसी दिक्कत नहीं लग रही है। बट स्टिल कीपिंग इन व्यू कि कभी कोई रश आवर्स हो सकते हैं, पीक का टाइम आ सकता है जब एकदम से डिमांड ज़्यादा बढ़ जाए, सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाए, तो उस समय के लिए हम लेबर आगे और बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे कि यहाँ पर तकरीबन हम 80-100 बंदा यहाँ पर हर समय यहाँ उपलब्ध कराएँ। उसके अलावा यहाँ पर स्टैकिंग हो गई है, काफ़ी जो धान है यहाँ पर पैकिंग होके यहाँ पर स्टोर हो चुका है, तकरीबन 9000 क्विंटल हो चुका है। और जैसा हमारी FCI के मैनेजर से बात हुई है, तो इसकी लिफ्टिंग जनरली बहुत जल्दी स्टार्ट हो रही है। और यहाँ पर जो ये बाहर का एरिया भी हम सारा देख रहे हैं, यहाँ पर भी जो शेड वाला एरिया है, यहाँ पर हमने क्रेट्स ऑर्डर कर दिए हैं, ताकि यहाँ पर भी हम उसको स्टोर कर पाएंगे। तो पूरी कोशिश है कि हमारे किसान भाइयों को दिक्कत ना आए और टाइमली सबकी प्रोक्योरमेंट हो जाए। थोड़ा सा और ऐड करना चाहूँगा कि उससे पहले आप मेरे से पूछें कि कुछ लोगों को शायद टोकन में जो दिक्कत आ रही है, उसके बारे में भी हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि टोकन सिस्टम पूरा प्रॉपर तरीके से चले, किसी को कोई ऐसा ना लगे कि कोई भेदभाव हो रहा है, कोई बायस हो रहा है। एक सिस्टमेटिक ढंग से चलाने की पूरी कोशिश हो रही है, और जो भी कोई कमियां पाई जाएंगी उसको हम ठीक करेंगे। AVS एकेडमी धर्मशाला में HAS, एयरफोर्स, आर्मी, GD एंड क्लर्क, फॉरेस्ट गार्ड, HP पुलिस, JOA, NDA इत्यादि की तैयारी करवाई जाती है। इसी के साथ TGT, TET, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, JBT, LT और कमीशन एग्जाम की भी कोचिंग दी जाती है। कक्षा 5वीं से 12वीं तक ट्यूशन्स के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। नीट एंड JEE ड्रॉपर सेकेंड बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 नवंबर 2021। AVS एकेडमी धर्मशाला 100% रिजल्ट ओरिएंटेड एकेडमी इन धर्मशाला रीजन। For more details, contact 7018918038 or 9459208108 or 9418827803.